2022 ની ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાવા જઈ રહી છે ત્યારે રાજકીય પાર્ટીઓ એડી ચોટીનું જોર લગાવી સંગઠનને મજબૂત બનાવી રહ્યા છે ત્યારે બાલાસિનોર ખાતે કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા યોજવામાં આવી સંગઠનની બેઠક. બાલાસિનોર તાલુકા અને શહેર કોંગ્રેસના હોદ્દેદારોની મિટિંગ આજરોજ સર્કિટ હાઉસ ખાતે યોજવામાં આવી હતી. આ મિટિંગમાં રાજસ્થાનના સંસ્કૃત કક્ષાના મંત્રી રામસિંહ રાવ, બાલાસિનોરના ધારાસભ્ય અજીતસિંહ ચૌહાણ, મહીસાગર જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના ઉપપ્રમુખ ઉદયસિંહ ચૌહાણ, બાલાસિનોર શહેર પ્રમુખ છત્રસિંહ વાઘેલા, નગરપાલિકાના સભ્યો અને કોંગ્રેસના હોદ્દેદારો કાર્યકરો મિટિંગમાં બાલાસિનોર ખાતે યોજાઈ ત્યાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને હાકલ કરવામાં આવી હતી 2022ની ચૂંટણી. નમસ્કાર. સબસે પહેલે તો મેં ગુજરાત કી ઇસ પુણ્ય ભૂમિ કો પ્રણામ કરતા હું. યે હમારે આદર્શ ગાંધીજી કી ભૂમિ હૈ ઓર જિસ ગાંધી કો લેકર કે હમ પૂરે ભારત મેં અહિંસા ઓર શાંતિ કા મિશન લેકર કે ચલે હૈ. લેકિન આજ હમ દેખ રહે હૈ કે ચારો તરફ લોગ અલગાવ કી આગ લગાને પે લગે હુએ હૈ. देश में धर्म और ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है. देश में तानाशाही शासन हो रहा है. जहां गांधी जी ने सर्वोदय की बात की थी, अंत्योदय की बात की थी, वो आज कहीं नज़र नहीं आ रहा. लोग इतने तानाशाह हो गए हैं, अपने फैसले थोप रहे हैं. स्वायत्त संस्थाएं जो है वो मजबूर हो रही है. आप एक तरफ देखिए, अभी देश में जो अग्निवीर अग्निपथ जिसकी ये बातें कर रहे हैं, बच्चों के साथ कैसा खिलवाड़ है. 17 से 21 वर्ष के बच्चे, अभी उन्होंने कह रहे हैं हमने 23 वर्ष कर दी. उन बच्चों को 4 वर्ष का रोजगार देने की जो बात कर रहे हैं, और उसके बाद फिर बेरोजगार कर देंगे. और बड़े व्हाट्सएप पे आप लेख देख रहे होंगे, उस 4 वर्ष का जो उसकी मेहनत का जो परिश्रम है उसको ये बड़ा ऐसा जोड़ के दिखा रहे हैं जैसे कोई डोनेशन दे रहे हो, उसको कोई दान दे रहे हो. पहले वर्ष में जहाँ 21,000 रुपया तनख्वाह दे रहे हैं, साहब एक दिहाड़ी मजदूर जाता उसको 700 रुपये मिलते हैं आज की तारीख में. तो क्या सेना की जो वास्तविक भर्ती थी उसको जो आप देने वाले थे, क्या उतना मानदेय इन लड़कों को दे पाओगे क्या? पूरा जो उनको 2 वर्ष में मिलता उतना भी उनको 4 वर्ष में जितने आप बेनिफिट मोदी जी गिना रहे हैं वो भी उनको नहीं मिल पाएगा. बल्कि 4 वर्ष के बाद में वो किस हालात में होंगे उनका भगवान मालिक है. तो ऐसे में देश में कोई भी फैसला लेने से पहले संसद को, देश को और उस तबके को विश्वास में लेना चाहिए. अपने पहले किसानों के हित में ऐसा फैसला लेने की बात कही थी, लेकिन वो किसानों के हित में नहीं था, किसानों के अहित में था. लेकिन आप अपनी हठधर्मिता पे अड़े रहे. देश में 750 से ज़्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी, और आपके बालों में जू तक नहीं रहेगी. इतने निर्दयी हो गए, शासन इतना निर्दयी हो जाए. आज वही हालात